सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन तथा इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया 73% प्रोटीन और 25 से 30% लिपिड से बने होते हैं। कुल लिपिड का लगभग 90% भाग फॉस्फोलिपिड और शेष 10% कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। इसके अलावा सल्फर, कॉपर, आयरन के यौगिक भी उसके धात्विक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। श्वसन विकर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के एंजाइम और ऑक्सीकारी फास्फोलीकरण के एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अल्प मात्रा में डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कहते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सेवाओं की प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषित करने में सक्षम है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम भोजन के 3 प्रमुख घटक कोशिका द्रव्य में विघटित होते हैं। यहाँ से क्रेव चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं। इस चक्र में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ATS में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से एंजाइम और सहएंजाइम भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अधात्री और इसकी कलाओं में विभिन्न एंजाइम वितरित रहते हैं। जैसे आउटर मेम्ब्रेन में हम बात करें, मोनोमाइन ऑक्सीडेज, NADH, फैटी एसिड कॉन्जाइम ए लाइगेज, अंतरकला अवकाश में एडिनालाइटिक काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, रिस्पायरेटरी चेन एंजाइमेज एंड कॉन्जाइम्स, NAD सक्सिनेट आदि प्रकार के एंजाइम अंतरकला में। माइटोकॉन्ड्रियल धात्री या गुहिका में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ATP सिंथेटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रिनेट फ्यूमिरेज एंड एकोनिटेज, साइट्रेट सिंथेटेज, यानी लगभग टोटल यहाँ पर एंजाइम्स की बात करें तो 20 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह श्वसन तंत्र श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के साथ ऑक्सीकारक फास्फोलीकरण के एंजाइम आंतरिक कला में पाए जाते हैं। क्रेव चक्र तथा वसा अम्ल चक्र के अधिकांश एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल धात्री में मिलते हैं। इनके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फेट जैसे कार्बनिक विद्युत अपघटक भी धात्री में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इस तथा मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। इन्हीं कोशिकाओं में केंद्रीय डीएनए की तुलना में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अधिक छोटा तथा ये डीएनए अपने स्वयं के टीआरएनए और 20 प्रकार के माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को कोडित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स साइटोप्लास्ट से प्राप्त होते हैं। इसमें सभी बड़ी राइबोसोमल उप इकाइयों के प्रोटीन साइटोप्लास्ट से प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स में आपस में
भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं में एमडीएनए छोटे होते हैं जबकि पौधों में एमडीएनए अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। हालांकि इन जंतुओं के एमडीएनए की तुलना में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स कोडित नहीं करते। जंतुओं के एमडीएनए में इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते तथा मनुष्य में एमडीएनए गोल होते हैं। मनुष्य एमडीएनए की लंबाई 16.57 किलो बेस पेयर होती है तथा ईस्ट एमडीएनए में 78 किलो बेस पेयर्स पाई जाती है। ईस्ट में जीनोम में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं जबकि मनुष्य में एमडीएनए में इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया में एक या अधिक डीएनए अणु होते हैं। ये लगभग 5 माइक्रोन लंबे वर्ताकार द्विसूत्रीय तथा अत्यधिक कुंडलित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी द्विगुणित होकर अपनी प्रतिकृति बना सकता है। ये केंद्रक डीएनए से निम्न गुणों से भिन्न माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ग्वानिन तथा साइटोसिन अधिक मात्रा में होते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जीवाणु की भांति वर्ताकार होता है। इसका गलनांक और केंद्रकीय डीएनए से अधिक, इस कारण से अधिक उच्च ताप पर विकृत होता है। इसका आणविक भार 9 से 11 × 10⁶ है। इसकी पुनः सामान्य अवस्था में आने की क्षमता अधिक। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र की तरह व्यवहार करता है। ये भी केंद्र गुणसूत्र की तरह आरएनए के माध्यम से संकेत संप्रेषित करता है। आरएनए भी केंद्र आरएनए की भांति बनते हैं किंतु इनका उत्पत्ति स्वयं माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोशिका चक्र में G2 फेज में साइटोकाइनेज के बीच बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्र की भांति डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो इसमें डीएनए संश्लेषण में भाग लेता है। यद्यपि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए पॉलीमरेज केंद्र के इस एंजाइम से भिन्न, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए केंद्र के डीएनए के समान ही आरएनए संश्लेषित करता है किंतु माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की मात्रा कम होने के कारण ये इसकी सभी प्रोटीन तथा एंजाइम्स के संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में आरएनए संश्लेषित कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए इसकी संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण तो कर ही सकता है जबकि साइटोक्रोम तथा अन्य दूसरे एंजाइम्स केंद्रीय के डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री में माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए पाया जाता है। ये केंद्र में पाए जाने वाले आरएनए से भिन्न, माइटोकॉन्ड्रिया में 23S, 16S और 4S तीन प्रकार के आरएनए पृथक की गई है। इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम तथा प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीवाणु में कुछ समानताएं। जीवाणु के प्लाज्मा कला में श्वसन विकर की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में पाए जाने वाले श्वसन एंजाइम से की जा सकती है। जीवाणु की प्लाज्मा कला में पाए जाने वाले परवर्धों या मिजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया शिखर के तुल्य। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ताकार डीएनए जीवाणु के डीएनए के समान। माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीवाणु दोनों में 17 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। अब यहाँ पर चर्चा है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जाग्रह होते हैं। विभिन्न खाद्यों से बने अंतः पदार्थ शर्करा, ग्लूकोज, एमिनोमल और वसामल में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा जैविक क्रियाओं में काम आती है। पित्त का निर्माण, अंडजनन के समय से ये अंडाणु के योग के निर्माण में सहायता करते हैं।
इस प्रक्रिया में अधिकांश कृष्टि बाह्य कलाई के पास से केंद्रित हो जाते हैं, शेष असंगठित हो जाते हैं तथा आधात्री में कणिका बनकर संगठित हो जाते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया योग एकत्रित करने वाली संरचना के रूप में काम करने लगता है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। स्पर्मेटिड्स में शुक्राणु में कायंत्रण के समय माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में शुक्राणु के अक्षीय तंतुओं के चारों ओर सर्पिल बनाते हैं। वसा का उपापचय। होथेन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त वसा संचित रहती है, ये अंकुरित होते बीजों की डायस्टोलिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सीक्रेशन। हॉर्नब्रग ने माइटोकॉन्ड्रिया और जाइमोजन कणिकाओं के बीच संबंध पता किया कि इसके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाचन के आवश्यक एंजाइम होते हैं जो संश्लेषी और अपघटन क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन और उसके कार्यों के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।